स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ते हैं आगे। कोरोना काल में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। जी हाँ, आज से छत्तीसगढ़ के 13,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। और आज से डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन और अन्य कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे, जिससे कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ सकता है। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि वे लंबे समय से नियमितीकरण की मांग करते आ रही हैं, लेकिन सरकार उनके अनुरोध का कोई जवाब नहीं दे रही। पहले उन्होंने काली पट्टी लगाकर काम किया, लेकिन तब भी सरकार ने कुछ नहीं किया, इसलिए उन्हें मजबूरन हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि ना चाहते हुए भी कार्रवाई हो सकती है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सुप्रिया पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। सुप्रिया, जैसे कि स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा हड़ताल की चेतावनी पहले भी कई बार दी जा चुकी है, और क्योंकि उनकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई, लिहाजा एक बार फिर से वो हड़ताल कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई आश्वासन अभी तक दिया गया है सुप्रिया? आज से जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर आज उतर आए हैं, और इसके साथ ही उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी है कि यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। इसके साथ ही उनका कहना है कि वो कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी, उसके बाद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इस वजह से वे हड़ताल पर है। और प्रदेश भर में 13,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर उतर आए हैं, इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में ये हड़ताल करेंगे। बता दूं कि कोरोना काल है, ऐसे में एस्मा भी लगा हुआ है, और एस्मा पर सरकार जो है इनके हड़ताल पर कार्रवाई कर सकती है, इन्हें जेल भी हो सकती है। उसके बावजूद भी, ये सब बातें जानने के बावजूद भी, संविदा स्वास्थ्य कर्मी जो है वो हड़ताल पर उतर आए हैं और हड़ताल भी करेंगे। उनके द्वारा बता दें कि कोरोना काल में जैसे कि आवश्यक सेवाएं बाधित ना हो, इस वजह से सरकार उन पर कार्रवाई भी कर सकती है। एस्मा इसलिए भी लगाया जाता है ताकि किसी तरह की हड़ताल जो है वो रोक सके सरकार, और इन पर कार्रवाई भी की जा सके, क्योंकि कोरोना काल है, ऐसे में स्वास्थ्य कर्मियों की वैसे भी प्रदेश में कमी है, और ऐसे में 13,000 स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल करेंगे तो आवश्यक सेवाएं बाधित होंगी और उस पर बुरा प्रभाव भी पड़ेगा। तो ऐसे में यदि सेवाओं पर प्रभाव पड़ता है तो सरकार कड़े एक्शन जो है वो इन पर ले सकती है, और इनका जो हड़ताल है वो स्थगित भी हो सकता है। स्वास्थ्य कर्मी जो है वो काफी दिनों से ही अपनी मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात किए थे, और इसके साथ ही उन्होंने हड़ताल की चेतावनी भी दी थी, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं हुई है, इस वजह से वो एक बार फिर से हड़ताल पर उतर आए हैं। और इस बार का जो हड़ताल है वो अनिश्चितकालीन का हड़ताल होगा, ऐसा उनका कहना है, लेकिन अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है वो स्वास्थ्य कर्मी जो है वो चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि राज्य सरकार इन पर रोक लगा दे, कड़े निर्णय ले ले, क्योंकि राज्य में कोरोना संकट काल में एस्मा लगा हुआ है और आवश्यक सेवाएं से बाधित भी होगी। यदि स्वास्थ्य कर्मी ऐसा करते हैं तो उन पर बिल्कुल ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपने बिल्कुल सही बात का जिक्र किया, यहाँ पर कोरोना काल चल रहा है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि स्वास्थ्य कर्मी काम करें, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे तो भयावह स्थिति छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकती है, क्योंकि 77,000 के भी ज्यादा पार पहुंच चुके हैं आंकड़े। ऐसे में सरकार क्या वैकल्पिक व्यवस्था कर पाती है, इसको लेकर के कोई अभी तक आदेश दिए गए हैं, या फिर कार्रवाई करने को लेकर के आपने जिक्र किया, तो क्या कार्रवाई और सरकार की तरफ से की जा सकती है सुप्रिया? स्वास्थ्य मंत्री जो है वो कर्मचारियों को रोक लगाए हैं। स्वास्थ्य कर्मी का कहना है कि इस तरह का हड़ताल अभी इस समय में आवश्यक नहीं है, आप स्वास्थ्य कर्मी हैं तो आप अपने ड्यूटी जो है वो बखूबी निभाइए, आपको हड़ताल करना भी उचित नहीं है, ऐसा स्वास्थ्य मंत्री ने कहा भी है। यदि वे उनका बातों को नहीं मानते हैं, यदि वे स्वास्थ्य मंत्री की बातों को नहीं समझते हैं, तो हो सकता है कि कोरोना काल में जो है इन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि एस्मा लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि राज्य सरकार को यह अधिकार है कि इनकी हड़ताल को रोक लगाई जाए और इन्हें जेल भी भेजी जाए। तो तमाम तरह के जो एहतियात हैं वो राज्य सरकार के द्वारा बरती जाती है, तमाम तरह के एहतियात स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों के द्वारा बरत कर कोरोना संक्रमण काल में इलाज भी कराया जाता है। लेकिन अगर वो इस जिद पर उतर आएंगे कि उन्हें हड़ताल करना है और वो हड़ताल ही कर रहेंगे, तो इसके लिए राज्य सरकार भी कार्रवाई करेगी। इसके पहले स्वास्थ्य मंत्री ने इन पर रोक भी लगाई थी कि इस तरह का हड़ताल अभी करना आपके लिए उचित नहीं है, क्योंकि
हड़ताल यदि वे करते हैं तो हड़ताल करेंगे तो आवश्यक सेवाएं बिल्कुल ही बाधित होगी। वैसे भी राज्य में स्वास्थ्य कर्मियों की जो कमी है वो जाहिर तौर साफ तौर पर नजर आ रही है, जिसकी वजह से होम आइसोलेशन भी एक विकल्प दिया गया है मरीजों को, ताकि स्वास्थ्य कर्मियों की कमी भी महसूस ना हो लोगों को। इसके साथ ही इलाज भी जो है मरीजों की वो भी बाधित होगी। यदि स्वास्थ्य कर्मी ही हड़ताल पर चले जाएंगे तो कोरोना मरीजों की देखभाल कौन करेगा, उसके इलाज कौन करेगा, जिस देखते हुए राज्य सरकार भी इन पर कड़े निर्णय ले सकती है, कार्रवाई की जा सकती है, इन्हें 6 महीने की जेल हो सकती है, इसके साथ ही इन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ऐसा में ये कानून है कि राज्य सरकार अपने अनुसार इन पर जो है कार्रवाई की जा सकती है, तो इसके तहत इन्हें 6 महीने की जेल भी हो सकती है यदि ये हड़ताल पर उतर आते हैं, और यदि इनकी मांगे पूरी नहीं होती तो ये मांगे पूरी करने तक अड़े रहते हैं कि इन्हें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठना ही है, तो इनके जिद के आगे जो है प्रशासन भी कार्रवाई करने को मजबूर होगा। अब देर से हम लेंगे, फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सितंबर से शुरू होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा